हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इकोनॉमिक्स का जो केटी का पेपर है, तो अभी केटी लेके बैठे और पेपर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखे। तो 11 आंसर दे रहा, उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? 11 पे ख़त्म कर देंगे खेल। तो फर्स्ट मॉड्यूल में तुमको क्या करना है, एक हेक्शर रोलिन पढ़ लेना, ओके? हेक्शर और रिकार्डियन है तो दोनों में से एक थेरी आएगा, मैंने पूरा बुक को एक्सप्लेन करा दिया, नंबर भी, ओके? फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ो, ओके? और एक टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ना ग्रॉस और नेट, इधर तीन आंसर पढ़ लो, तीन, ओके? और जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ना, ट्रेड बैरियर के ऊपर एक आंसर आएगा, वो पढ़ना है तुमको। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कंफर्म है, आता ही है, या फिर WTO के ऊपर एक आंसर आएगा, एक दो आंसर। और एक ट्रेड पॉलिसी पढ़ना है, प्रोटेक्शनिस्ट है, अभी प्रोटेक्शनिस्ट नहीं पढ़ना है, फ्री ट्रेड पॉलिसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्री ट्रेड, ओके? तो फ्री ट्रेड, ट्रेड बैरियर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तीन, ओके? नेक्स्ट मॉड्यूल में बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ लो, ओके? और कॉसेस पढ़ लो, क्यू और डिसइक्विलिब्रियम, बता, दो हो गया। WTO का एग्रीमेंट कंफर्म है, ट्रिप्स गेट्स, दो एग्रीमेंट पढ़ लो, ओके? इधर भी दो दिया है। अभी इसमें लास्ट में क्या करना है, PPP थेरी पढ़ लेना, PPP थेरी, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ लेना, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, और फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता ना, वो तीन आंसर है। और ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट जमा तो कोई भी तुम लोग, तो जो बड़े आंसर पढ़े उसको ही उठा के शॉर्ट नोट में डाल दिया, ठीक है? तो तुमको हेड पॉइंट याद कर लेने का, तो सब मैंने एक्सप्लेन करा दिया बच्चों लोग, बस इतना ही तुमको पढ़ने का था। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नंबर में मैसेज कर दो, मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है? और यू कैन पे सम गुरु दक्षिणा ऑल्सो। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।